खबर ग्वालियर से है, जहां देर रात पुलिस ने मुरैना से कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर सिविल लाइन में नजरबंद कर दिया, जिसे लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुरैना में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं कांग्रेस ने पुलिस पर जिला पंचायत सदस्यों को नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। इसके साथ ही एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें, देर रात कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, विधायक राकेश मावई, अजब सिंह कुशवाह, रविंद्र सिंह तोमर सहित सतीश सिकरवार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह और अन्य कांग्रेस नेता एसपी ऑफिस पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र को कुचलने का पुलिस भाजपा की सहायता से काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीहोर में कांग्रेस समर्थित सभी जिला सदस्यों को खजूरी सड़क थाने में जबरन बैठा कर रखा गया है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या पे लगी हुई है। हम पांचों जिला पंचायत सदस्य चुने हुए व्यक्ति हैं। हम अपनी मर्जी से, मेरे चारों जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे होटल में रुके हुए थे, पूरी आईडी हमने जमा की थी। उस समय हम पे जाके छापा मारा गया और पुलिस के द्वारा बर्बरता के साथ हमारे को वहाँ से यहाँ थाने लाया गया है, जबकि हम एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको चुन के पहुँचाया है।